आइए, आपका स्वागत है क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के पार्ट 2 में। इस पार्ट में हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक्टिविटी 2.2 में हमने पाया कि ग्रुप ए और बी ने विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन प्राप्त किए। हम समझते हैं कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सापेक्ष अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने पानी में थोड़ी चीनी घोली तो ये डाइल्यूट यानी पतला सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर आपने पानी में ज़्यादा चीनी घोली तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर आपने उतनी चीनी घोली जिसके घुलने के बाद पानी में और चीनी नहीं घुल सकती तो वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड तुलनात्मक शब्द है। एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप ए द्वारा बनाया गया सॉल्यूशन डाइल्यूट है ग्रुप बी द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन की तुलना में। आइए देखते हैं एक्टिविटी 2.3। प्रत्येक दो अलग अलग बीकर में लगभग 50 ml पानी लें। एक बीकर में नमक डालो और दूसरे बीकर में चीनी या बेरियम क्लोराइड डालें और साथ साथ लगातार हिलाते जाएं। जब और सॉल्यूट उसमें ना घुले तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाकर बीकर को गर्म करें। अब फिर से और सॉल्यूट डालें। क्या दिए गए टेम्परेचर में पर पानी में घुलने वाले नमक और चीनी या बेरियम क्लोराइड की मात्रा सेम है? कोई भी खास टेम्परेचर यानी तापमान पर एक सॉल्यूशन ने उतना सॉल्यूट घोल लिया है जितना वो घोल सकता है तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब एक दिए गए टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन में अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है तो वह सॉल्यूशन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की मात्रा उसकी सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता कहलाती है। सॉल्यूट की मात्रा किसी सॉल्यूशन में सैचुरेशन लेवल से कम होती है तो वह सॉल्यूशन एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या होगा अगर आपको एक निश्चित टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना होता और उसे धीमे धीमे ठंडा करना होता? ऊपर दी गई एक्टिविटी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक दिए गए सॉल्वेंट में अलग अलग सब्सटेंसेस में सेम टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती हैं। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की दी गई मात्रा में मौजूद सॉल्यूट की मात्रा है। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने के कई तरीके हैं पर यहाँ पर हम सिर्फ 3 मेथड सीखेंगे। पहला मेथड मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक सॉल्यूट जिसमें 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम साधारण नमक है,
सॉल्यूशन के मास बाय मास परसेंटेज के संबंध में कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करो। इसको हम मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें कितना है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट पानी कितना है 320 ग्राम। हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, आंसर है 360 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि 40 अपॉन 360 इनटू 100 इज इक्वल्स टू 11.1%। आइए अब देखते हैं व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो सजातीय नहीं है, जैसे एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी के द्वारा हासिल किया गया था, जिसमें लिक्विड्स में सॉलिड फैले हुए थे और वो सस्पेंशन कहलाते हैं। एक सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषम मिश्रण है, जिसमें सॉल्यूट के कण नहीं घुलते लेकिन माध्यम के पूरे बल्क में सस्पेंडेड रहते हैं। एक सस्पेंशन के कण नग्न आँखों से आँखों को दिखाई देते हैं। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन के क्या गुण हैं? सस्पेंशन एक विषम मिश्रण है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एक सस्पेंशन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। एक सस्पेंशन के कण प्रकाश के एक बीम को बिखेरते हैं और इसके मार्ग को दिखाई देने योग्य बनाते हैं। सॉल्यूट के कण नीचे बैठ जाते हैं जब एक सस्पेंशन को बिना छुए छोड़ दिया जाता है, अर्थात एक सस्पेंशन अस्थिर होता है। उन्हें फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से मिश्रण से अलग किया जा सकता है। जब कण बैठ जाते हैं तो सस्पेंशन टूट जाता है और ये प्रकाश को अधिक नहीं बिखेरता है। व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन? एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप डी द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल या कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। एक कोलाइड के कण पूरे सॉल्यूशन में समान रूप से फैले हुए हैं। कणों की अपेक्षाकृत छोटे आकार के कण सस्पेंशन की तुलना में मिश्रण सजातीय प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में एक कोलाइडल सॉल्यूशन एक विषम मिश्रण है, उदाहरण के लिए दूध। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण आसानी से दिखाई देने वाली प्रकाश की एक किरण को बिखेर सकते हैं। जैसा कि एक्टिविटी 2.2 में देखा गया है, किरण के प्रकाश के इस फैलाव को वैज्ञानिक के नाम पर टाइंडल इफेक्ट कहा जाता है, जिसने इस इफेक्ट यानी प्रभाव की खोज की। जब छोटे छेद के माध्यम से प्रकाश की बारीक किरण कमरे में प्रवेश करती है तो टाइंडल प्रभाव भी देखा जा सकता है। यह हवा में धूल और धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। जब एक घने जंगल की छतरी से धूप गुजरती है तो टाइंडल प्रभाव देखा जा सकता है। जंगल में धुंध में पानी की छोटे बूंदे होती हैं जो हवा में छितरी हुई कोलाइडल के कणों के रूप में कार्य करती हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ
कोलाइड। एक कोलाइड एक हेट्रोजीनियस या विषम मिश्रण है। एक कोलाइड के कणों का आकार व्यक्तिगत रूप से नग्न आँखों से देखे जाने के लिए बहुत छोटा होता है। कोलाइड इतने बड़े होते हैं जो प्रकाश के एक बीम को बिखेर सकते हैं और इसके मार्ग को दिखाई देने योग्य बनाते हैं। जब उनको स्थिर छोड़ दिया जाता है तो ये तब भी नीचे नहीं बैठते, यानी कि कोलाइड काफ़ी स्थिर होते हैं। उन्हें फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से मिक्सचर से यानी मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग करने के एक विशेष तकनीक जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे कि एक्टिविटी 2.5 में किया गया है के रूप में जाना जाता है, कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कोलाइडल सॉल्यूशन के घटक फैलाव चरण और फैलाव माध्यम है। सॉल्यूट जैसे घटक या एक कोलाइड में छितरे हुए कण बिखरे हुए चरण का निर्माण करते हैं और जिस घटक में फैला हुआ चरण सस्पेंडेड होता है उसे फैलाने वाले माध्यम के रूप में जाना जाता है। कोलाइड्स को फैलाने वाले माध्यम और बिखरे हुए चरण की स्थिति ठोस तरल या गैस के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। टेबल 2.1 में कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि वे बहुत आम रोजमर्रा की जिंदगी है। टेबल को देखते हैं, जैसे कि लिक्विड डिस्पर्स फेज में डिस्पर्सिंग मीडियम इसका क्या है, गैस है, टाइप क्या है, एरोसोल, और एग्जांपल इसका रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं पूरा टेबल। अब आता है टॉपिक सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर्स के कंपोनेंट को अलग अलग करना। हमने सीखा है कि अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं होते। अलग अलग तरीकों का उपयोग मिश्रण से अलग अलग घटकों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सेपरेशन एक मिश्रण के व्यक्तिगत घटकों का अध्ययन और उपयोग करना संभव बनाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अपने संबंधित घटकों में सरल शारीरिक विधियों जैसे यानी कि फिजिकल एक्टिविटी द्वारा जो है, जैसे कि हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। सीविंग, फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों के सेपरेशन के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक? ब्लू या ब्लैक इंक से हम कैसे कलर्ड कंपोनेंट पा सकते हैं, जैसे कि डाई। आइए देखते हैं एक्टिविटी 2.4। आधा बीकर पानी भरें। बीकर के मुंह पर एक वॉच ग्लास रखो। वॉच ग्लास केमिस्ट्री में उपयोग होने वाला कांच का एक गोलाकार कॉनकेव टुकड़ा होता है, जिसका उपयोग लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए एक सतह के रूप में किया जाता है। पदार्थ की थोड़ी मात्रा को गर्म करने के लिए और बीकर के कवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉच ग्लास पर इंक की कुछ बूंदें डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें।
हम सीधे स्याही को गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि इवेपोरेशन वॉच ग्लास से हो रहा है। इवेपोरेशन जारी रहने पर हीटिंग जारी रखें और जब आप वॉच ग्लास पर कोई और परिवर्तन देखते हैं तो हीटिंग बंद कर दें। ध्यान से देखें और अपनी टिप्पणियों को नोट करें। अब इसका जवाब दें, आपको क्या लगता है कि वॉच ग्लास से इवेपोरेशन हो गया है? क्या घड़ी के ग्लास यानी कि वॉच ग्लास पर कोई अवशेष हैं? आपकी व्याख्या क्या है? क्या इंक एक ही पदार्थ यानी शुद्ध है या एक मिश्रण है? हम पाते हैं कि स्याही पानी में एक डाई का मिश्रण है। इस प्रकार हम वाष्पशील घटक यानी कि सॉल्वेंट को वाष्पीकरण की विधि द्वारा इसके गैर वाष्पशील सॉल्यूट से अलग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो पे।